एक्शन। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। यह बात सही कहा साहब जी ने, भ्रष्टाचारियों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, तभी तो सारे भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ कर अपनी पार्टी में भर्ती कर रहे हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि भ्रष्टाचारी जेल में ही जाएं, वो भाजपा में भी जा सकते हैं, जो जनता के हक के साथ साथ चंदा नाम की मलाई भी खा सकते हैं। और 10 साल से साहब जी ने यही तो किया है, कार्रवाई के नाम पर वॉशिंग मशीन में दाग और धब्बे ही साफ किया है। महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन साहब जी महंगाई का मां नहीं बोलेंगे। 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने जा रहे थे, लेकिन युवा लोग ठेला चला रहे हैं। लगता है अब बिना डिग्री के ठेला भी नहीं चलेगा और ना ही पकौड़ा तल पाएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता कि 10 साल से साहब जी की ही सरकार है, फिर भी भ्रष्टाचार चल रहा है। ऐसे जेब कतरा जेब काट लेता है जैसे। और साहब जी का यही तो बात अच्छी लगती है कि सारे वादे भूल जाते हैं ऐसे जैसे लोग उधार लेकर भूल जाते हैं पैसे, क्योंकि साहब जी भ्रष्टाचारियों के दाग धब्बे ही साफ करते रहते हैं और चीजों के लिए मौका कहाँ मिलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो महंगा हो गया आटा चावल तेल सिलेंडर डीजल पेट्रोल, तो क्या हुआ, हमारे साहब जी ने 5 किलो राशन तो दे ही रहे हैं ना। ये सब है नेता लोगों का धंधा, नहीं हम लोगों की तरह ये भी कड़कड़ाती धूप में आजकल के मौसम में काट रहे होते गन्ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वह का सीर है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ। वह का सीर है। तो देखा दोस्तों, हमारी स्मृति चाची को इन लोगों के हिसाब से नवरात्रि में मछली चिकन मटन नहीं खा सकते, लेकिन पकड़ जरूर सकते हैं। और ये मछली को बिना पानी के जिंदा रहना सिखा रही हैं, या फिर महंगाई में बिना सिलेंडर के खाना बनाना सिखा रही हैं। वैसे जब हमारे साहब जी समुन्द्र में मगरमच्छ पकड़ने जा सकते हैं, तो सिलेंडर वाली चाची मछली तो पकड़ ही सकती है। और साहब जी को टक्कर देने के लिए मछली एकदम अपने जैसा ही पकड़ी है, जैसे आप मोटी वैसे मछली भी एकदम मोटी। लगता है अब मछलियों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये भी हाथ में जो चीज लेती हैं उसका दाम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। जैसे पहले ये सिलेंडर हाथ में लेकर आती थी, अब 1000 के पार है। और बहुत से लोग मजाक में यह भी कह रहे हैं ये बहुत कुछ फंसा चुकी है, लगता है अब मछली फंसाने का कारोबार भी शुरू कर दिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और कहीं अब की चुनाव में ये मछली और 70 के पौवा का इंतजाम तो नहीं कर रही है। 13 रुपए किलो चीनी देने को कहा था, वो तो दिया नहीं। लगता मछली और पौवा का इंतजाम जरूर कर रही है, क्योंकि यही है अब इनका सहारा, तभी चलेगी रोजी रोटी। अब बनेंगी ये मछुआरा या फिर बेचेंगी बालों की चोटी।